ये भाई एग्जैक्टली सेम प्लेस है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था। तो वो बहुत चमत्कारिक आदमी थे, उन्होंने भाई वाटर को वाइन बना दिया। एक आदमी था जो कि भाई 4 दिनों से मरा हुआ था, उसको उसने जीवित कर दिया। काफी लोगों को ऐसा लगता था कि रिलीजन चेंज के लिए लोगों को भड़का रहा है, तो भाई लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और भाई रास्ते में लोग थूक रहे थे जीसस क्राइस्ट पे, चप्पल फेंक रहे थे, जूते फेंक रहे थे। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई हम लोग आ रखे हैं काफ़ी रिलीजियस प्लेस में भी। पिछली वीडियो भी भाई काफ़ी रिलीजियस थी और आज की वीडियो भी काफ़ी रिलीजियस प्लेस हम लोग आ रखे हैं। भाई फिलहाल लोग आ रखे हैं अभी क्रिश्चियन क्वार्टर में, जहाँ पे भाई क्रिश्चियंस रहते हैं। और भाई जरा मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, ये भाई क्रिश्चियन क्वार्टर। और भाई यहीं पर एक चर्च है जहाँ पर यीशु क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया था। तो चलो जाके देखते हैं कि अंदर क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे भाई कुछ कुछ खाने वगैरह की चीज़ें मिल रही है। डू हैव फिश टू? यस आई हैव फिश। ओह नाइस नाइस। तो भाई खाना वगैरह खा लेते हैं। आर यू हंग्री लिटिल बिट? ओके चलो भाई खाना पीना खाते हैं, फिर जाते हैं चर्च के अंदर। तो भाई वहाँ पे खाना वगैरह बहुत महंगा था यार, कम से कम मतलब मछली खाने के लग रहे थे भाई 2.5 से 3 हज़ार रुपये। मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा महंगा है, क्योंकि भाई ये टूरिस्ट एरिया है इसलिए भाई सब कुछ महंगा है। ये सारे देखो भाई सोवनियर शॉप है यहाँ पे। ऑफ कोर्स भाई सब कुछ यहाँ पे महंगा होगा ही, लेकिन आई थिंक भाई मेरे हिसाब से जो चर्च है वो मेरे सामने है, जरा जाके देखा जाए। ये भाई जो है ये है क्रिश्चियन क्वार्टर। यहाँ पे 4 क्वार्टर्स हैं, मुस्लिम क्वार्टर जो कि मैंने आपको 2 वीडियो में दिखाई, उसके अलावा भाई यहाँ पे एक और क्वार्टर है क्रिश्चियन क्वार्टर, अर्मेनियन क्वार्टर, एक जूस क्वार्टर। तो फिलहाल हम आपको लेके जा रहे हैं क्रिश्चियन क्वार्टर, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया था। भाई ये है जीसस क्राइस्ट का लास्ट मील, व्हाट डू यू कॉल, लास्ट सपर। ये भाई पिक्चर बहुत ही वायरल है और बहुत ही ज्यादा लोग इस फोटोज को मानते हैं। ये भाई जीसस क्राइस्ट, और उसके बाद ये भाई रात की बात है और सुबह सुबह उनको मतलब फांसी और सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो भाई फिलहाल मैं आ रखा हूँ जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को सिफाइट किया गया था, जहाँ पर भाई जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था। ये भाई एग्जैक्टली सेम प्लेस है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था। और ये भाई क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। जितने भी भाई दुनिया के क्रिश्चियंस हैं भाई इस जगह पे ज़रूर आते हैं और आना चाहते हैं। जैसे कि भाई मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाना होता है, जैसे उसी तरह भाई क्रिश्चियन लोगों को यहाँ पर आना होता है, क्योंकि उनके लिए सबसे होली प्लेस है, होली ऑफ द होलीस्ट। तो भाई यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि भाई जीसस क्राइस्ट को कैसे क्रूसीफाइड किया गया था, ईसा मसीह को कैसे भाई क्रूसीफाइड किया गया था। ये भी एक टेंपल है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली दो पर सेक्शन है, एक सेक्शन ये है भाई और भाई एक सेक्शन ये है। और यहाँ पे बड़ा सा भाई मीनार बना हुआ है, चला जाए इस तरफ। भाई सेल्वी यहाँ आने के बाद बहुत इमोशनल हो रखी है, क्योंकि बचपन से इन्होंने पढ़ाई वगैरह की थी। यू स्टडी अलॉट अबाउट क्रिश्चियनिटी व्हेन यू आर चाइल्ड? यस माय फैमिली वाज रेज्ड कैथोलिक, सो वी वेंट टू कैथोलिक स्कूल एंड चर्च ऑन संडेज, बट नॉट एनीमोर। भाई ये क्रिश्चियन के लिए काफ़ी इमोशनल प्लेस है, जहाँ पे उनके मैसेंजर ऑफ गॉड को यहाँ पर आके सूली चढ़ाई गई थी, तो इसकी वजह से क्रिश्चियंस के लिए काफ़ी इमोशनल प्लेस है। तो भाई यहाँ पर कुछ ओल्ड फाइंडिंग्स रखी गई है, प्रोबेबली जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड कुछ होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा है भाई, काफ़ी भी अंधेरा हो रखा है भाई, अगर बात करें तो काफ़ी अंधेरा है। जरा मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर सुरंग की तरफ। भाई एक सुरंग है जहाँ पर लोग कैंडल वगैरह जला रखा है भाई, इस तरह की भाई लंबी सुरंग है भाई अगर बात करें तो। तो भाई हम लोग चर्च के अंदर से आ गए, जो कि भाई क्रिश्चियनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। मैं अंदर भी गया भाई, जहाँ पर कैमरा एंड वीडियोस भी अलाउड नहीं था, जहाँ पर एग्जैक्टली भाई जिस प्लेस पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया था। तो फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ जहाँ पर ईसा मसीह का लास्ट सफर था, जहाँ पर लास्ट मील था, वही माउंट जायन के माउंटेन के पास है। तो भाई पैदल वाला ही रहा था, तो हम लोग वहाँ से वॉक करते जा रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा आपको लगा कि
थोड़ी मुझे ईसा मसीह की हिस्ट्री बतानी चाहिए। तो भाई ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो बैतलहम में हुआ था, क्योंकि भाई एक्चुअली आजकल पैलेस्टाइन के अंदर आता है, हम लोग वहाँ जाने वाले भी हैं। लेकिन भाई ईसा मसीह के जन्म के बाद वो एक्चुअली नॉर्थ ऑफ इसराइल में रहने लगे, और भाई मतलब काफ़ी शांत स्वभाव के आदमी थे, जितना मैंने लोगों से पूछा और लोगों से सीखा, जैसे सेल्वी बता पा रही है कि सेल्वी ने अच्छी खासी रिलीजियस स्टडी की है, कैथलिक स्कूल वगैरह गई थी, तो उसने अच्छी खासी रिलीजियस स्टडी की है ईसा मसीह के बारे में, क्योंकि ये रिलीजियसली क्रिश्चियन है बट उतना फॉलो शायद आजकल नहीं करती, कभी मैंने इसको चर्च जाते नहीं देखा है, लेकिन ये बॉर्न क्रिश्चियन है, राइट? बॉर्न क्रिश्चियन यार, बाप्टाइज्ड, ओके, ये भाई बाप्टाइज्ड भी हो रखी है, ये क्रिश्चियन बॉर्न है। हाँ, तो भाई ये स्टोरी ये थी कि ईसा मसीह नॉर्थ में रह रहे थे, और भाई ईसा मसीह का जो नॉर्मल जन्म नहीं हुआ, क्रिश्चियन लोग ऐसा मानते हैं उनका नॉर्मल जन्म नहीं हुआ, एक लेडी थी भाई मरियम, कुमारी लेडी थी, उसने ईसा मसीह को जन्म दिया था, ऐसी मान्यता है भाई क्रिश्चियनिटी के अंदर। उसके बाद वो भाई वो बहुत चमत्कारिक आदमी थे, उन्होंने भाई वाटर को वाइन बना दिया, उसके बाद भाई वाटर के ऊपर चलने लग गए, और भाई मिट्टी के जो चिड़िया थे उनको उन्होंने जीवित कर दिया, और साथ ही साथ भाई एक आदमी था जो कि भाई 4 दिनों से मरा हुआ था, उसको उसने जीवित कर दिया, तो भाई उनका अच्छा खासा नाम हुआ, अच्छा खासा चमत्कार हुआ, तो उनको फिर जेरूसलम वो आए। लेकिन भाई आपको ये बता दूं कि जो ईसा मसीह थे जब वो जन्मे थे तो भाई वो शुरू से ज्यूज थे, तो इसलिए भाई ज्यूज और क्रिश्चियनिटी में काफी सिमिलैरिटीज है, हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप एक दूसरे को ये क्यों हेट करते हैं। तो ईसा मसीह के भाई बचपन का नाम यीशुआ था, और वो एक्चुअली ज्यूइश फैमिली में बॉर्न हुए थे, और जब वो जब पैदा हुए भाई तो उनको ज्यूइश टेंपल में लाया गया था, जो भाई टेंपल माउंट है, जो आप अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था वेस्टर्न वॉल, जहाँ पे भाई अभी मॉस्क है, पहले वहाँ पे टेंपल हुआ करता था, तो वो टेंपल आए थे भाई, और वो जब जीसस क्राइस्ट भाई जब 12 साल के थे तो ऐसा माना जाता है कि भाई वो भी इस टेंपल को देखने के लिए आए थे। लेकिन भाई फिर वो जब चमत्कार करने लगे और काइंड ऑफ वो कहने लगे कि मैं एक प्रीस्ट हूँ, साधु संत हूँ ज्यूस का, तो उनको भाई जेरूसलम बुलाया गया। जब भाई साहब वो जेरूसलम आए तो उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ भाई, कि ये एकदम चमत्कारी आदमी है, इनका स्वागत सत्कार किया जाए, तो उनका काफ़ी स्वागत सत्कार हुआ। लेकिन भाई काफ़ी लोगों को उससे नाराज़गी थी, काफ़ी लोगों को इससे बहुत नाराज़गी थी, उनको लगता था कि ये राजद्रोह कर रहा है, ये चीज़ों को लोगों को भड़का रहा है, और भाई काफ़ी लोगों को ऐसा लगता था कि रिलीजन चेंज के लिए लोगों को भड़का रहा है। तो भाई लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, फिर उन्होंने राजा से जाके कहा, और यहाँ के जो भाई इस टेंपल के जो प्रीस्ट है, जो यहाँ के जो पुजारी वगैरह थे, जो ज्यूइश टेंपल था, उन्होंने सबने मिलके फैसला लिया कि जीसस क्राइस्ट को मार दिया जाए, उसको क्रूसीफाइड किया जाए भाई। और भाई वो कोई साधारण मौत नहीं थी भाई, जो मौत थी भाई वो काफ़ी दुखद मौत थी भाई, क्योंकि उनको बोला गया था, जो आप क्रॉस देखते हो, उनको खुद से उठाने के लिए, और उनके दोनों हाथ कील से ठोक दिए गए थे, और दोनों पैर भाई कील से ठोक दिए गए थे पूरी तरह से भाई, तो कोई साधारण मौत नहीं थी, और भाई खून बहने से उनकी मौत हुई थी, तो बहुत ही दुखद चीज़ था। और भाई क्रिश्चियन लोग ज्यूज को इसलिए अच्छा नहीं मानते क्योंकि ये सब जो चीज़ें हुई थी वो भाई ज्यूज ने की थी, जो यहूदियों लोग थे, यहूदियों लोग ने ही जीसस क्राइस्ट को मारा था, तो उसकी वजह से क्रिश्चियन लोग ने काफ़ी हेट करते हैं ज्यूज से, और भाई आज तक लोग बिलीव करते हैं क्रिश्चियन लोग की ज्यूज की वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी। डू ऑल्सो बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट डाइड बिकॉज ऑफ द ज्यूज, बिकॉज ऑफ द He died because of the people around him were not believers. It was not the common religion. So if that's the Jews, then yes. Yeah, बहुत political answer दे रही है, but सारे भाई क्रिश्चियन बिलीव करते हैं कि ज्यूज के वजह से जीसस क्राइस्ट को मारा गया था, और भाई इसलिए ज्यूज भी ने काफी सफर किया है, उनके होलोकास्ट हुआ भाई, हिटलर ने भाई ज्यूज को मारा, जब रोमन एम्पायर थी भाई रोमन एम्पायर ने भी अपनी जो रिलीजन है उन्होंने क्रिश्चियनिटी कर ली और फिर ज्यूज को मारा गया, तो भाई ज्यूज सफर कर रहे हैं एकदम सालों सालों से, कहीं से आज भी भाई सफर करते ही आ रहे हैं, आज भी ज्यूज की मौत हो रही है, कुछ दिन पहले हमास ने अटैक किया था एंड थिंग्स, सो ज्यूज सफर तो भाई पता नहीं कब से कर रहे हैं भाई, मतलब उनके टेंपल को तोड़ दिया गया, उनके प्रेयरिंग प्लेस को तोड़ दिया गया, उनको मारा गया हर जगह भाई, उनको फ्रांस से भगा के पोलैंड आया गया, पोलैंड से भगा के भाई वापस ये इजराइल आए हैं, पोलैंड में 60 लाख ज्यूज को मार दिया, उसमें भाई 30% 35% जितने भी जो ज्यूज के पॉपुलेशन थी हिटलर ने सबको मार दिया, होलोकास्ट हुआ, तो ज्यूज सफर कर रहे हैं। तो फिलहाल भाई हम लोग आ रखे हैं द रूम ऑफ लास्ट शपर, किंग डेविड टॉम एंड डॉर्मिटसन एबी, तो भाई सबसे पहले चलते हैं रूम ऑफ लास्ट सपर, भाई इस तरफ रास्ता है रूम ऑफ लास्ट सपर, जहाँ पे भाई जीसस क्राइस्ट ने अपना लास्ट खाना खाया था, लास्ट भोजन खाया था, उन्होंने क्या क्या भोजन में खाया था भाई, लैम्ब, ओलिव्स, डेट्स, हर्ब्स एंड वाइन भाई, तो इसलिए भाई क्रिश्चियनिटी के अंदर जो शराब एंड वाइन है वो काफ़ी लाइक कॉमन है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो ईसा मसीह थे भाई उनका जो लास्ट फूड था और जो लास्ट मील था उसके अंदर भी उन्होंने वाइन पिया था, तो क्रिश्चियनिटी में इसलिए भाई वाइन जीसस क्राइस्ट को चढ़ाते हैं क्योंकि उनका लास्ट मील था। तो फिलहाल भाई हम लोग आ गए वहीं पर जहाँ पे जाने वाले हैं भाई, उन्होंने ये बृहस्पति बार के रात को खाया था और भाई शुक्रवार को उनको सलीब पे चढ़ाई गई थी, काफ़ी दर्दनाक मौत थी भाई,
इसलिए भाई ये लोग कहते हैं गुड फ्राइडे. व्हाई यू गाइस से गुड फ्राइडे इफ इट इज लाइक ही डाइड ऑन द फ्राइडे? इट्स नॉट गुड, इट्स लाइक बैड फ्राइडे, इजंट इट? It's a special day though, you know, when a tragedy happens, you still commemorate it, you still respect that day. So I think okay. That's the same in all historic events. तो भाई इसलिए इनको कहते हैं गुड फ्राइडे क्योंकि उनकी भगवान की उस दिन मौत हुई थी, इसलिए कहते हैं गुड फ्राइडे. इधर ही कहीं रास्ता है भाई. ये देखो भाई यहाँ पे चर्च वगैरह यहाँ पर और हैं, बहुत अलग अलग टाइप का चर्च है. चलो भाई इस तरफ चला जाए. तो भाई जीसस क्राइस्ट का लास्ट सफर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ. फिलहाल भाई ये है एक एबे जहाँ पे भाई जीसस क्राइस्ट की जो माँ थी मरियम, या तो फिर मैरी बोल लो, वर्जिन मैरी बोल दे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे तो मरियम उस समय वर्जिन ही थी, तो वर्जिन मैरी बोल लो आप, यहाँ पे इनका डेथ हुआ था. तो चलो जाके इनके डेथ प्लेस को देखते हैं. पहले यहाँ से भाई एंट्री है, काफ़ी भाई ब्यूटीफुल उन्होंने चर्च बना रखा है. तो भाई लेडी मरियम के कब्र से हम लोग फिलहाल आ चुके हैं. भाई हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं जहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने लास्ट सफर, जहाँ पे लास्ट खाना खाया था. ये कुछ भाई इधर से रास्ता है. भाई मैंने यहाँ पे देखा कि भाई बहुत सारे इंडियन लोग आ रखे थे, मतलब इंडिया से लोग थे और टीका वगैरह लगा रखा था काफ़ी लोगों ने. तो बहुत सारे लोग यहाँ से इंडिया से आ रखे थे, पर रिलीजियस ट्रिप होगा क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप में लोग थे. तो भाई ये है रूम ऑफ लास्ट सफर, लास्ट खाना. तो ये भाई जरा चला जाए और जाके देखा जाए कहाँ पर है लास्ट सफर. ये भाई एक्चुअली माउंटेन के ऊपर है. तो यहाँ से भाई लास्ट सफर करवाने के बाद उनको भाई पूरी तरह से ह्यूमिलिएट करके जहाँ पर आपको मैंने दिखाया था वहाँ लेके गया था, जहाँ पे जिस क्रूसीफाइड किया गया था भाई. यहाँ से खाना पीना खाने के बाद रात के यहीं पे रुके थे. और भाई वो बात थी थर्सडे नाइट की, और भाई फ्राइडे मॉर्निंग को यहाँ से दोपहर के 3 बजे लेके जाया गया. और जिस हम लोग रास्ते से भाई आए उसी रास्ते से लेके जाया गया. और भाई रास्ते में लोग उस पर थूक रहे थे, जिस क्राइस्ट पे चप्पल फेंक रहे थे, जूते फेंक रहे थे. तो भाई काफ़ी ह्यूमिलिएशन के बाद उनको मतलब डेथ मिली है, सुन के दुख होता है भाई. इसलिए सलवे के लिए वो काफ़ी इमोशनल प्लेस था. तो भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ जहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने लास्ट सफ़र किया था. इसी रूम में भाई उन्होंने लास्ट सफ़र किया था. एक्चुअली माउंटेन्स के ऊपर है तो इसलिए यहाँ पर ठंड है, हालांकि थोड़ा रूम अंधेरा है. और टेबल गायब है क्योंकि सलवे वृद्धि उन्होंने टेबल पर खाना पीना खाया था. तो भाई यहीं पर उन्होंने लास्ट सफ़र किया था, लास्ट मील खाया था, उसके बाद उनको क्रूसीफाइड कर दिया गया था. तो ये इनका भाई लास्ट सफ़र का प्लेस है, तो कुछ ऐसा दिखता है भाई. प्रॉब्ली यहाँ पर था, और उस तरफ भाई वो टॉम्ब है. How much for one bread? 2 shekels. Huh? 2 shekels? One bread, please. तो फिलहाल भाई हम लोग आ रखे हैं इस एरिया में. काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं. ये थोड़ा अर्बन क्वार्टर है भाई, तो कुछ ऐसा दिख रहा है. यहाँ पे कुछ सुपर मार्केट वगैरह भी हैं, मैगजीन है. बट ये भाई जो स्ट्रीट है ना, नॉर्मल काफ़ी सही दिख रहा है. और मेरे सामने से जा रही है ट्रैम, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स, ये वाली बिल्डिंग. और थोड़ा इधर चलते हैं. तो भाई जीसस क्राइस्ट का जहाँ पे लास्ट सफर था, जहाँ पे लास्ट मिलता, वहाँ से हम लोग फिलहाल आ गए हैं भाई. ये थी भाई जीसस क्राइस्ट की स्टोरी. हालांकि भाई उनके जब लास्ट सफर उन्होंने जो थर्सडे को लिया था, फ्राइडे को उनको सलीब पे चढ़ाई गई थी, तो उसका कफन बना के उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था. लेकिन वापस से पता नहीं भाई संडे को लोग गए उसको जमीन को देखने के लिए, साथ प्रेयर करने के लिए गए होंगे संडे को, तो वो देखे वहाँ पे थे ही नहीं. तो भाई वो एक्चुअली निकल गए और हेवन की तरफ चले गए. और भाई उसके अगले 40 दिनों तक लोगों को ज्ञान दिया. और भाई जो ओल्ड बाइबल था, पहले लोग यहाँ पे जो क्रिश्चियन में भी लोग ओल्ड बाइबल पढ़ते थे, वो भाई जो ओल्ड बाइबल है जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, वही भाई हिब्रू बाइबल है. तो भाई जो हिब्रू जो लोग पढ़ाई करते हैं वो भाई ओल्ड बाइबल ही है. और भाई जो क्रिश्चियन लोग के लिए जो बाइबल है वो भाई ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट मिला के बनाया गया है. तो भाई टेक्निकली जो लोग क्रिश्चियन है वो ऑलरेडी जुदिज्म है ही, बट उनका अलग अलग ब्रांच है. और जो जुदिस्ट लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो न्यू बाइबल को पढ़ने से मना कर देते हैं. बोलते हैं कि न्यू बाइबल हम बिलीव नहीं करते. न्यू बाइबल मतलब जो जीसस क्राइस्ट ने जब 40 दिनों तक जो वो ज्ञान दिया था उस पर बिलीव नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ पुराने बाइबल पर बिलीव करते हैं और उनकी ही वो बाइबल है. इसलिए भाई उनके कहते हैं हिब्रू बाइबल,
और नॉर्मल जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते उसे कहते हैं बाइबल, और बाकी जो मुस्लिम लोग करते हैं उसे कहते हैं भाई कुरान, आपको पता ही होगा। वेल ये थी भाई एक और रिलीजियस वीडियो, प्रोबेबली अगली वीडियो से हो सके रिलीजियस नहीं आएगी, मैं पैलेस्टाइन की तरफ जाऊंगा। चल के लिए भाई इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, दसवीं दानिया। मेरा भाई इंस्टाग्राम है nomadshubham, अगर आप फॉलो नहीं करते फॉलो कर ही लेना जाके अभी आप, ठीक है? और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना, इसका भी इंस्टाग्राम है selbykesal, जिसको भी फॉलो कर लेना। फिलहाल के इतना ही, आपसे मिलता है अगली वीडियो में, दस फिलहाल के लिए बाय, दस बिदानिया।